प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक्सेलरेटेड कंटेनर देखे, ऊपर से ओपन थे, अब जो करने वाले हैं वो एक क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर है, बिल्कुल क्लोज्ड है, बंद है, भरा पड़ा है पानी से और रेस्ट पे है। तो बंद करने से क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हो जाएगा, एटमोस्फेयर हमने उसको छुपा दिया तो बंद हो जाएगा। तो जब आप इसे मूव करवाएंगे, एक्सेलरेट करवाएंगे, अब मैं ये तो कह ही सकता कि यहाँ खाली हो गया, पानी पीछे चढ़ गया, टेढ़ा कर दिया मैंने, क्योंकि पानी एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, वो जगह नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर यहाँ कम 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 कम, लेकिन पानी भरा तो पड़ा ही है तो खाली कहीं से नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि बिल्कुल टोटली फिल्ड है। तो पॉइंट नंबर वन, अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, अब ए पॉइंट पे ना तो पानी है ऊपर इसके, ना ही एटमोसफेयर है, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, जीरो। ना तो एटमोसफेयर प्रेशर लगाएगा, ना लिक्विड प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर क्या आएगा ए पॉइंट पर, जीरो। पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू, जो क्यू पॉइंट है, जो क्यू पॉइंट है ये एच हाइट पर है यहाँ से और एल डिस्टेंस है यहाँ से, तो अगर मैं अब इक्वेशंस बनाऊँ इनमें, तो देखो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशंस ऐसी बनेंगी कि अगर मैं कहूँ कि बी और ए के प्रेशर का डिफरेंस बोलो क्या होगा, पी बी माइनस पी ए, बोलो ये हाइट क्या है, एच, तो ये हाइट भी क्या होगी, एच, क्या होगा यहाँ पर, एच रोजी, एच रोजी, लेकिन ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, जीरो, तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एच रोजी। पॉइंट नंबर वन क्लियर। तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर ऑफ ए इज एच रोजी, हाइट की एच है और ए पॉइंट का प्रेशर नहीं, तो बी पॉइंट का प्रेशर एच रोजी, पहली क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं कहूं कि क्यू पॉइंट और बी पॉइंट लें, क्यू और बी पॉइंट लें और इनमें प्रेशर का डिफरेंस निकाल लें, तो अगर इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है तो क्यू पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, कि जितना पीछे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर और बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एच रो जी अभी निकाला, तो क्यू पॉइंट और बी पॉइंट, क्यू पॉइंट और बी पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, एल इंटू रो इंटू एक्सेलरेशन, जी की जगह क्या जाएगा, ए, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हैं। अब बी का प्रेशर आप यहां से यहां पुट कर लें तो आपके पास क्या आएगा, एच रो जी इज इक्वल टू एल रो ए, तो क्यू पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा, एच रो जी प्लस एल रो ए। तो ये भी याद नहीं करना आपने, ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे क्या ऑप्शंस गिवन होगा, पर कैसे इक्वेशंस बन रही है क्लियर है। तो पहले मैंने ये इक्वेशन बना ली, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी, तो यहाँ से पी बी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्यू और बी के बीच में इक्वेशन बना ली, पी क्यू माइनस पी बी इज इक्वल टू एल रो ए, और बी का प्रेशर ऊपर से नीचे पुट करके क्यू का प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड, मैक्सिमम प्रेशर पीछे दीवार पे होगा कहीं पर भी, और यहाँ पे होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ सूडो फोर्स का प्रेशर भी है और साथ में हाइट भी सबसे मैक्सिमम है, मिनिमम वो मैक्सिमम ये किसमें,